जी जी दिखा कामरान, सबसे पहले तो ये है कि जो वीना ने किया, जैसे मैंने कहा, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया। राइट। अगर आप समझते हैं कि वो पब्लिकली क्रिमिनल हैं आप, तो फिर वो अदालत में एक बात जानी चाहिए। जो समझते हैं कि वीना ने पब्लिकली कुछ किया है, तो दे शुड गो इन टू अ कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट हर। बट आई थिंक शी इज मेड अ पर्सनल चॉइस, और उनका एक हक बनता है, एक आजाद मुल्क है, और अगर अगर कोई ऐसे कोई रूल्स या रेगुलेशंस है मीडिया के, तो हमें दिखा दें, क्योंकि हमारा जो अपना कोड ऑफ कंडक्ट वो इतना कमजोर है कि आपको जो इंडिया से जो सामान इधर चलता है उसमें कोई आप रूल्स कभी देखें। राइट, ये पॉइंट आपका है जी, थिंकआउटो का वैलिड पॉइंट है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, अगर उस कोड ऑफ कंडक्ट को स्टेज पे भी अप्लाई कीजिए, टीवी ड्रामा पे भी अप्लाई कीजिए, फिल्म पे भी अप्लाई कीजिए, और अगर वीना मलिक उसको फॉलो नहीं करती तो वीना मलिक कसूरवार है। और मुझे एक बात बताइए कि जब पाकिस्तान का कोई लड़का इंडिया में जा करके वही पार्टी करता है, वही कपड़े पहनता है, वही सारी चीजें करता है, तो वो हीरो बन के आता है। एक लड़की मसलन कौन ऐसा हीरो है जी जो है यहाँ पे, तो बदनाम हो जाता है। आप बताएं कौन सा ऐसा लड़का है जो लड़के करते हैं वो बदनाम नहीं। आप बताएं कौन सा ऐसा लड़का है जो वहाँ से हीरो बन गया। मेरी बताएं कौन सा लड़का ऐसा है जो वहाँ गया और शराबे पी के आया और यहाँ पे हीरो बन गया। आप नाम बताएं। एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज, मैंने शराब नहीं पी है। नहीं, आप किसी बात कर रही है, आप बात सुन ले पहले। मैं आपसे कह रहा हूँ कौन सा ऐसा लड़का है जिसको आप कह रही है कि जी वो शराबे पी उसे हिंदुस्तान में और वापस आया और हीरो बन गया। नहीं कहा कि वो शराबे पी है, मैंने कहा कि वो यही काम करके आता है, वो फिल्मों में जाके काम करता है। साहब अली जफर के ऊपर आज तक आपने शो क्यों नहीं किया? बिल्कुल किए, उनको बुला के किए, उनको बुला के किए, उनको बुला के किए। औरत बाहर जाती है जिस मुख्य। और कामरान साहब, आपके अपने अबू एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, वो भी फिल्मों में काम करते रहे। आप बात इस वक्त ये हो रही है कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट को बता दूं, जो भी फिल्म इंडस्ट्री ताल्लुक रखता है, हम उस सारी इशू में बात कर रहे हैं। बात से टोटल आपकी ये हो रही है कि अगर आपने वहां शराब पी है, शराब नहीं पी, अली जफर साहब ने वहां शराब पी है, शराब नहीं, बात सुने ना, बात जरा हौसले सुने जरा, तो उसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स किए हैं। आप अगर इस बात को लेकर बैठ गए कि जी वो ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं किया, प्रोग्राम नहीं देखा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो आए इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पे आए और हमने उनसे सवाल पूछा, और कोई हीरोशिप की ऐसी कोई बात नहीं, उनसे पूछा और क्लियर करते हैं। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, आप एक मिनट ठहर जाए, आते हैं आपकी तरफ। मैं ये कहना चाहूंगा, और हमारी भी सुन लो वीना जी, बच्चे हमारी भी सुन लो। देखो आज आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को गंदा कह रही हो, ये कौन सा तरीका है? ठीक है, अगर आपने पर्सनल कैपेसिटी में किया है, पर्सनली ये सब कुछ किया है, तो आप यहाँ ऑन करें और करती रहें। हम तो इसलिए ये कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, हम आपसे अपना कोई रिश्ता समझते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया। और अगर आप समझती हैं कि आपने पर्सनल ऐसा ही करना है और इसको जस्टिफाई कर रही है, तो आप करती रहे। ये आपका करैक्टर है या आपका जमीर है? ये या आपका जमीर है या आपका करैक्टर है? लेकिन आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे उंगली नहीं उठा सकती। इसलिए उस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जहां आपने हीरोइन बनने की कोशिश की है और आप नहीं बन सकते। उंगली उठाएंगे सैयद नूर साहब, अगर आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके वीना मलिक पे उंगली उठाएंगे और कीचड़ उछालेंगे, तो बदले में फूलों की उम्मीद मुझसे मत रखें। मैंने कोई बच्चों को समझाने का हर तरीका होता है। आपको मुझे फोन करना चाहिए था, मुझसे मिलना चाहिए था। तो मैंने आपको जब मैं वहां पर थी, आपने इंटरव्यूज दिए, आपने मेरी तारीफ की। हाँ? कि हमारी बच्ची उस प्लेटफॉर्म पे गई, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। पहले तारीफ की, अपने आप को यहाँ पर बैठ के आज मजलूम साबित कर रहे हैं। मैंने किस इंडस्ट्री को गंदा कहा है? मैंने वही कहा है जो सच है, और सच सुनिए, सच सुनिए। फिर मेरी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इतनी गंदी नहीं है जो गंद आपने फैलाया वहाँ पे। आपने गंद फैलाया सैयद नूर साहब, मैं आपकी जात पर जाना नहीं चाहती। और आप क्या करते रहे, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। नहीं, और मैंने कोई गंद नहीं किया, समझ आई आपको? माइंड योर लैंग्वेज, ये आपकी जबान है, ये आपका औरत के साथ बात करने का तरीका है, और ये आपका कल्चर है जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं। दिस इज योर कल्चर, दिस इज द वे यू टॉक टू अ वुमन, यू ऑल मेन। आप लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि एक औरत से बात किस तरह करते हो। तो मैंने क्या कह दिया आपको? मैंने भाई क्या कह दिया? मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। आप समझाते इस तरह से प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके आप मेरी इज्जत उछाल रहे हैं। क्या कल आप एक प्लेटफॉर्म पे गए किस वजह से? वीना मलिक की वजह से। आपकी अपनी वर्थ क्या है? आज आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? वीना मलिक को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी अपनी वर्थ क्या है? आप अपनी वजह से इस प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आए? वीना मलिक की वर्थ क्या है? वीना मलिक की वर्थ क्या है? एक शो वीना मलिक की वर्थ ये है कि आज सैयद नूर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बैठ के मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। वीना मलिक की वर्थ ये है। ये वाकई मेरी गलती है। इस प्रोग्राम में ये वाकई मेरी गलती है कि मैं तो कोई बड़ी बात होती। और बच्चों को अब अगर आप इस तरह से करेंगे, अगर आप औरतों की इज्जत इस तरह से उछालेंगे, तो एक्सक्यूज मी, आपके घर में क्या है? मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती। नहीं, आप करो बात, आप करो बात,
मेरे घर में क्या है, मैंने कल तुम्हारी तारीफ की है पहले और ये कहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल आपने क्या कहा 50 मिनट में बैठ करके? क्या कहा मुझे बताइए। मैं किसी दिन सैयद नूर साहब मैं कभी आई हूँ आपके पास, आपने अपनी फिल्मों की मुझे ऑफर की और मैंने आपकी फिल्में ठुकराई है। शो के ऊपर बैठ करके आप कह रहे हैं कि वीना मलिक मेरे पापा। हाँ, और क्या? शर्म नहीं आती इस उम्र में झूठ बोलते हुए? यू आर नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम VHS कैमरा लेके मरी में मेरे पास आएगी मुझे फिल्म में काम दे दे? आई नेवर केम टू यू, यू आर लाइंग मिस्टर नूर, झूठ बोल रहे हैं आप। ओह, आपको शर्म आनी चाहिए। ओह माय गॉड, इस उम्र में आप झूठ बोल रहे हैं। ओहो ओहो, हाउ सैड, दैट इज अ वेरी सैड एटीट्यूड ऑफ योर्स मिस्टर नूर। अतीका मैं हैरान हूँ आप जैसी पढ़ी लिखी क्या आप आकर के बैठ के मेरे ऊपर लेंगे। अतीका मुझे हैरानगी है कि आप किस लड़की को डिफेंड कर रही हैं। आप मुझे हैरानगी है कि आप क्यों कीचड़ उछाल रहे हैं मुझ पे? मैं कीचड़ क्या मैंने उछाला? मैं तो ये कह रहा हूँ आज आप उछाल रहे हैं। शर्म किस बात की शर्म? अरे देखिए तो सही वो प्रोग्राम के मैंने किया क्या है, ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें किसी को शर्म हुए। एक रियलिटी शो है, कुछ सिचुएशन स्क्रिप्टेड थी। तो फिर क्यों चीज नहीं हो? जस्ट अ रियलिटी शो। तो फिर चीज क्यों नहीं हो अगर वो कुछ नहीं था तो? अरे पूरा प्रोग्राम देख के आइए फिर आकर के बात कीजिए। आज फिर आराम से बात करो। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो चीज क्यों नहीं हो? अरे आप क्यों आकर के बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों आप शर्म? अरे ये चैनल वाले मुझे बुलाएंगे, मेरे दोस्त हैं, मैं आया हूँ, मैं बात करूंगा, हक सच की बात करूंगा। अच्छा अतीका ओडू साहब की बात, अच्छा अतीका ओडू साहब की बात सुनते जी। अतीका साहब आप कुछ कहना चाहती हैं इस पे? मैं ये समझती हूँ कि आज ये शो सुनने के बाद दो चीजें वाजे हुई है। एक तो ये कि जो भी इश्यूज हैं आपस में हमारे, वो मेन ब्रॉडकास्ट पे ऐसे डिस्कस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आप कम्युनिटी के साथ बैठ के आपस में हल निकालें ना, तो इससे और गंद होता है आपकी सोसाइटी में। और जैसे हम सियासत में करते हैं वही माहौल आप इंटरटेनमेंट में ला लाएं, बिकॉज सियासत में इतना गंद मचा हुआ है, वही चीज आपके आर्ट एंड कल्चर में भी आ जाएगी। सही। दूसरी चीज है कि वीना के टोन से मुझे लग रहा है कि वीना परेशान है, अपसेट है, और आई थिंक जो ओवरऑल एक सिचुएशन है, इट हैज बिकम एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन फॉर हर ऑल्सो। और यहाँ पे मैं वीना से कहना चाहूंगी और नूर साहब से कहना चाहूंगी कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। जब कोई रास्ता कोई भटक जाता है रास्ते से या कोई परेशान होता है तो अतीका साहब हमारे पास ब्रेक का टाइम है, ले लेते हैं। मैं कंटिन्यू कराऊंगा आपको यहीं से। व्यूअर्स प्रोग्राम का टॉपिक जिसमें ऑब्वियसली नूर साहब को बुलाया गया, वीना मलिक साहब को बुलाया गया, अतीका ओडू साहब को बुलाया गया, वो यही है कि ये गम और गुस्सा हमें नजर आता है जो हम तनकीद कर रहे हैं, ये सब कुछ है, तो फिर हिंदुस्तान के प्रोग्राम और फिल्मों को बंद कर दिया जाए ताकि ये आर्टिस्ट वहां जाए ना, क्योंकि हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हिंदुस्तान को। इधर प्रोग्राम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। उस प्रोग्राम में हमारा मेन टॉपिक यही है कि अगर हमें इतना गम और गुस्सा है पाकिस्तानी आर्टिस्टों का हिंदुस्तान में जाकर काम करने पर, तो क्यों ना हिंदुस्तान के प्रोग्राम्स और फिल्मों को यहाँ बंद कर दिया जाए। FLP space 1 फॉर यस, FLP space 2 फॉर नो, 247 सेंड कर दीजिए। नूर साहब ये हमारा मुनाफ़त है कि हम हिंदुस्तान की फिल्में भी देख रहे हैं और फिर आर्टिस्टों को वहां पे जब वो करने जाते हैं काम, क्योंकि इतनी पिजी रही है, हमारे न्यूज चैनल्स पे कॉन्टेंट चल रहा है, फिर हमें कंडेम भी करते हैं। आप समझते हैं कि आर्टिस्टों के काम पे आपको कोई एतराज है इस मामले नहीं? मुझे देखें जाना चाहिए मार्केट, दुनिया की मार्केट में जाके काम करना चाहिए, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी कंटेंट के खिलाफ हूँ, हिंदुस्तानी फिल्मों के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इसके कतई खिलाफ नहीं हूँ कि पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट, पाकिस्तान का टैलेंट वहां जाके अपना नाम ना बनाए। वहां जाके बनाना चाहिए अपना नाम, बताना चाहिए कि हम कितने टैलेंटेड हैं। लेकिन वो जो वो कह रही है ना, मेरा पर्सनल मामला है, मैं उसको 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 जरा उसकी वजाहत कर दूं कि देखें, जब आप अपने कमरे में होते हैं तो आप जो भी करते हैं, जो भी आप हरकत करते हैं, वो खुदा के और आपके बीच में होता है। लेकिन जब आप अपने कमरे से बाहर निकल के ओपनली आप किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी जगह जो भी हरकत करेंगी, वो आपके बीच में या खुदा के बीच में नहीं रहेगा, वो फिर आम हो जाएगा और हर किसी को उस पर उंगली उठाने का हक मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको ये बिहेव करते हुए ख्याल रखना चाहिए कि मुझ पर कोई उंगली तो नहीं उठेगी, मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जिसको देखते हुए लोग हर्ट होंगे, जिसको देखते हुए लोग तकलीफ में आ जाएंगे। देर आर सर्टन थिंग्स आई वांट टू क्लियर, प्लीज। पहली बात तो यह है कि बहुत सारी चीजें
सैयद नूर साहब एक फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो अगर मेरे शॉट्स उठाकर के देखें तो वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कितने सारे शॉट्स जो थे वो एडिट कट लगा करके स्लो मोशन में दिखा करके उन्होंने वो चीजें साबित करने की कोशिश की है जो कि हकीकत में नहीं थी। हमारे लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक रियलिटी शो जहां पर 2400 घंटे रिकॉर्डिंग होती है और एक बंदे के हिस्से में घंटे 45 मिनट का सिर्फ वो शो चलाते हैं जिसमें 2400 घंटे में एक शख्स की 3 से 4 मिनट की फुटेज वो दिखाते हैं। अब उस 3 से 4 मिनट की फुटेज में वो क्या दिखाते हैं और क्या एडिट करके दिखाते हैं वो उनका मामला है, लेकिन मुझे दुख तकलीफ और गुस्सा इस बात का है कि जिन लोगों ने पहले दिन से लेकर आखिर तक शो फॉलो किया है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस पे मेरी सपोर्ट बनती थी, मेरे लोगों की, मेरी इंडस्ट्री की, मेरे लोगों की, जो आज ये कहते हैं कि वीना मलिक फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। तो आपका क्या सिर्फ मेरे लोगों का सिर्फ इतना काम है कि वो मुझे सिर्फ क्रिटिसाइज करें? उनका उनका अगर वो मेरी तारीफ करते हैं अब आप जरा से सुन लीजिए, एक तो कॉल्स का तांता बन गया है, हम कॉल सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अतीका उर्दू साहब के पास जाऊंगा। अतीका उर्दू साहब, जो सैयद नूर साहब ने बात की है कि कोई आर्टिस्ट, कोई एंकर, कोई जर्नलिस्ट उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी जो बाहर की लाइफ है जिसमें वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है, क्या इन दोनों डिस्टिंक्शन समझती हैं आप? अतीका उर्दू साहब, आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, इतना आपने काम किया। कमरान, बहुत साल पहले यहाँ पे काम करने से पहले मुझे हिंदुस्तान में बहुत ऑफर्स हुई थी फिल्मों की, तो वहां पे मैं जाती भी रही हूँ, ताल्लुकात भी बहुत हैं, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी जो वाजे हो गई थी पहले दिन थी वो ये थी कि ये मेरा मुल्क नहीं है। और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैं काम अगर करूंगी तो पाकिस्तान में करूंगी क्योंकि हमें यहाँ पे लोगों की जरूरत है, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल चॉइस था। अच्छा, ये यहाँ पे ये कहना बड़ा जरूरी कि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, सिंपलिस्टिक मेजर्स में जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये चल नहीं सकता इस लेवल पे। एक्चुअली जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात आती है तो एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है जिसमें आप स्टेट टेररिज्म की बात आ जाती है, ओवरऑल जो हमारी जो बायलैटरल जो पॉलिसीज नहीं बन पाती उसकी बात आती है, जब आप मीडिया के हवाले से बात करते हैं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जब हम बात करते हैं, तो देयर इज नो म्यूचुअल, नो बायलैटरल रिलेशनशिप विद इंडिया। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला इसलिए है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सियासत बहुत चलती है और आपको पता है कि जैसे कश्मीर के हवाले से भी हमारे पास इतने मसाइल हैं, तो इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू में अगर आप सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में इस चीज को हल करने की कोशिश करेंगे ये नहीं होगा। मैंने हमेशा कहा और मैं कहती रहूंगी कि जैसे हिंदुस्तान में एक अनस्पोकन लॉ है कि पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट इन ब्रॉडकास्ट, हमें भी एक नेशनलिज्म को रिवाइव करके सोचना चाहिए। प्लीज आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए, वही बना रहे हैं, ड्रॉ कीजिए, वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, कॉल का तांता बन के सैयद नूर साहब से, वीरा मलिक साहब से, अतीका उर्दू साहब से मुझदा चीज किसी ने बात नहीं करनी, लेकिन आप इन तीनों से शायद बात करने के लिए कॉल होंगी।